मंजू जी, राजस्थानी भाषा के एक प्रश्न पर मैं प्रोफेसर जहूर खान जी को सुन रहा था, हाँ तो सर, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। वो दिल्ली के एक बार किसी सम्मेलन में गए हुए थे, भाषा सम्मेलन में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही उस सम्मेलन से जो निकल के आया। और उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी उस सम्मेलन में आए हुए थे। तो राजस्थानी भाषा का जब प्रश्न आया उस सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा कारण है राजस्थानी भाषा को मान्यता ना मिलने का, वो है कि इससे हिंदी का नुकसान होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा हिंदी जो प्रेमी लोग हैं उनमें भी इस तरह की बातें चल रही हैं कि अगर राजस्थानी को मान्यता मिल गई तो उससे हिंदी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये भी है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो द्वितीय स्थान पर है हिंदी भाषी लोगों में। बहुत बड़ी जनसंख्या जो राजस्थान की है वो हिंदी बोलती है। ठीक है। तो हिंदी प्रेमी जो लोग हैं उनमें ऐसी बातें चलती हैं या फिर चल रही हैं कि हिंदी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात को आप कैसे देखते हो? और ये एक आरोप भी है राजस्थानी युवा समिति पर। देखो सर, हिंदी मारो मात हो है, जी ठीक है नहीं? और यो हिंदी अटे राखो में हिंदी ने, जिको हिंदी रो विरोध करे उन माते आप राजद्रोह रो केस लगाओ, उन घालो मौन है, ठीक है। ठीक है सर? और यो हिंदी आ है राजस्थानी, मारो गड़ो कटान में मा तो की कर बचा लूं, कम आवा तो बताओ मने। अच्छा, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि इससे हिंदी का आप नुकसान आरोप होने वाला लगाओ, है? मैं आपने वो पूछू सा के मराठी है उन्हों कहीं हिंदी ने खतरो भी हो, बंगाली है उन्हों हिंदी ने खतरो भी हो गई, गुजराती हूँ हिंदी ने खतरो भी हो गई, बोडो मैथिली संताली डोगरी यानो हिंदी ने खतरो भी हो गई, 22 भाषा 8वीं नहीं, थोड़ा अनुसूची सा में है। तकनीकी तौर पर बताइए कि किस तरह से खतरा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कोई और उन खतरो लोगों को मन लगता क्यों है इस तरह का?